क्या चाचू, कहाँ नॉस्टैल्जिया में झूम रहे हो? चलो स्वीटी टीचर से मिलना है। अबे मेरे बचपन का स्कूल है ये, बचपन का। तू टेंशन ना ले, कोई भी टीचर होगी ना देख लेंगे, टेंशन मत ले तू। यार टीचर नहीं, हिटलर है हिटलर, बात बात पे सस्पेंड कर देती है। बेटे हम यहाँ के टॉप स्टूडेंट नहीं, टॉप स्टूडेंट थे, टॉप, समझा? वो बोलते ना एकदम माइंड ब्लास्टिंग बवाल, एकदम वैसे थे। तू चिल करना, अबे टाइट हुई क्या पहनी हुई तूने? ऊपर बटन खोलना, अबे चलना देखते हैं जो भी होगा। अबे ये पेड़ वेड़ लगा दिए पूरे के पूरे, गार्डन वार्डन। हाँ हमारे टाइम पे एकदम मैदान था खाली। जल्दी चलो चाचू, देर हो रही है। शीतल, मुझे लेट आने वाले लोग बिल्कुल नहीं पसंद। अगली बार टाइम पे आना और अपने पेरेंट्स से साइन करा के लाना। हाँ ठीक है, वो तो ठीक है। कहा था ना हिटलर है, अभी भी डांट रही है। वाह यार बहुत बढ़िया। हाँ हाँ चल रहा। बंदरिया तू? बंदरिया तू? बंदर तू? खुशनुमा सुबह है और शाम है, तेरे साथ दिल को आराम है। मुश्किलों की राहें हो जितनी मगर, तेरे साथ सब कुछ आसान है। जो भी है और जैसा भी है, नाता अपना गहरा बड़ा, बदले दुनिया भर की तरह, मौसमों की तरह नहीं ये इश्क मेरा, ये इश्क मेरा। पढ़ाकू सेक्शन ए, तेरा भी सही है यार, स्कूल में बंदी बना ली। अरे नहीं यार, वी आर जस्ट फ्रेंड्स। तू सच में टीचर बन गई, मतलब सही है। तुझे पता है तुझे हिटलर बुलाते हैं? हिटलर टीचर तो मुझे बनना ही था, अब तेरी शू के लेसेस से लेकर टाई की नॉट तक सब मैंने तुझे बांधना सिखाया। बहन जी बुलाते थे तेरे को? बहन जी वो तो मेरे फैशन टिप्स की वजह से तू आज इतनी ब्यूटी ब्यूटीफुल लग रही है ना, जो तू मतलब मेरे फैशन टिप्स की वजह से लग रही है, और कोई बात नहीं है। 2 फुट लंबी बेल बॉटम पहनता था और अपने आप को संजय दत्त समझता था, एक नंबर का पोपलू लगता था, पोपलू। अच्छा हाँ, चमेली के तेल से हमेशा नहा के चिप चिप करके आती थी तो वो है? इतनी बदबू मारती थी वो, कुछ नहीं ठीक है, पर कम से कम मैं नहा के तो आती थी। तू तो नहा के भी नहीं आता था, डियो मार के आता था, आज ना है। ओ मैग्नेट बुलाते थे मुझे, मैग्नेट। आस पास हर जगह मेरे आगे पीछे लड़कियां रहती थी, हमेशा मेरे पीछे भागती रहती थी। भूल गई बेटा तू? आकाश वो भागती थी लेकिन अपनी होमवर्क कॉपी वापस लेने के लिए जो तू चुरा लेता था। ओ प्लीज, ओ प्लीज। यार तू टीचर विचर बन गई एकदम मस्त। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन तू ये फाइनेंस वाइनेंस कैसे हैंडल करती है? अपार्ट फ्रॉम दिस आई डू ट्रेडिंग। ट्रेडिंग? बिनोमो। बिनोमो क्या? बिनोमो एक ऑनेस्ट ट्रेडिंग ऐप है जहाँ तुम बड़ी बड़ी कंपनीज की वैल्यू फोरकास्ट करके 90% तक का प्रॉफिट कमा सकते हो। बट यार ये टफ होगा ना, मतलब मैं कैसे पता लगे? अरे यार बहुत ईजी है, पहले तो ये प्ले स्टोर ऐप स्टोर दोनों पे अवेलेबल है, तो कम्प्लीटली लीगल है। अब ये देख, जैसे कि मुझे लग रहा है इस कंपनी की वैल्यू ऊपर जाएगी, तो मैंने इस पर प्रिडिक्शन कर दिया। ये देख, ओह मेरा प्रॉफिट हो गया।
चाहिए यार। और अगर तुझे लगता है कि तू ट्रेडिंग में कच्चा है ना, तो इनका डेमो अकाउंट यूज कर ले, उसमें तेरे को 65,000 मिलते हैं, जैसे यूज करके तू ट्रेडिंग सीख सकता है। और पता है, अगर तू डिस्क्रिप्शन वाला प्रोमो कोड यूज करेगा ना, तो तेरा डिपॉजिट डबल हो जाएगा, मतलब 400 का 800। लिफ्ट क्यों नहीं आई अभी तक? बटन ही नहीं दबा, बताओ। यार आज भी कैंटीन में पनीर पैटी में पनीर ढूंढना पड़ता है यार, दिखता ही नहीं है। है ना, बट टेस्ट सेम है, एकदम सेम टू सेम। कुछ चीज़ है ना, कभी नहीं बदलती, और कुछ हमेशा के लिए बदल जाती है। तुझे याद है उस दिन वहाँ पे चंकी को कितना कूटा था? वही जगह थी, तुझे बहन जी बुला रहा था, ऐसे कैसे? अच्छा धोया उसको मैंने। हाँ, आई रिमेम्बर, फ्रेंडशिप डे था, सबके लिए मैं नॉर्मल फ्रेंडशिप बैंड लेके आई थी, तेरे लिए माय बेस्ट फ्रेंड वाला स्पेशल फ्रेंडशिप बैंड लेके आई थी। स्पेशल तो था यार, मतलब आंटी से दो टिफिन बनवाती थी, एक अपने लिए और एक मेरे लिए, वो बात अलग है कि दोनों के दोनों मैं खा जाता था, बट क्या दिन थे यार। हाँ यार, मतलब 7-8 साल बेस्ट फ्रेंड्स रहे हम, और वक्त कहाँ चला जाता था पता ही नहीं चलता था। सही में यार, मतलब स्कूल टाइम में होती थी असली दोस्तियाँ, अब तो यार सब कुछ फायदा ही देखते हैं और कुछ है नहीं, अब दोस्ती का कोई मतलब ही नहीं है। दोस्ती के बारे में तू ना ही बोले तो बेहतर है, तुझे ये सब समझ में आता तो तू गायब ना होता। I'm sorry यार, मतलब मैं जानता हूँ कि मैं बदल गया था, बट मैंने कुछ भी जानबूझ के नहीं किया था। मैंने तुझे कॉल्स भी किए थे, लेकिन कोई भी कॉल तूने उठाई नहीं, ना कॉल बैक किया मुझे। आई ट्राइड, जब फोन के सामने बैठ के घंटों कॉल का इंतजार किया, तब तो तू था नहीं, जब तक कॉल्स आई तब तक उठाने का मन नहीं किया। बस इट्स ओके, मतलब वैसे भी मेरी गलती थी, तो आई डिजर्व इट। हाँ, मेरे चेहरे की स्माइल से मेरे आंखों के आंसू का रीजन बन गया तू, दैट टू जस्ट फॉर अ रिलेशनशिप, पूरी फ्रेंडशिप खराब कर दी। हो गए जुदा जो गम सभी किसे बांटेंगे हम, जिंदा हो करके जिंदगी कैसे काटेंगे हम, पर तुम जो आओगे एक दिन वापस, अगर पाओगे दिल को ठहरा हुआ, भर ना पाएगा वक्त मगर जख्म ये है गहरा मेरा, बदले दुनिया भर की तरह मौसमों की तरह नहीं ये इश्क मेरा, ये इश्क मेरा, ये इश्क मेरा, ये इश्क मेरा। तेरी वो गर्लफ्रेंड कैसी है? शीना, राइट? शीना, स्कूल जैसे ही पास आउट हुआ एक महीने बाद ब्रेकअप हो गया, उसको कोई कार वाला बंदा मिल गया और छोड़ गई। तो मुझे लगा था कि कुछ नहीं लगा था, तुझे कुछ नहीं लगा था, तूने कितनी बार मुझे बोला भी था कि भाई केयरफुल रहे, शी इज नॉट, बट मैंने एक बार भी नहीं सुनी, मतलब मैं तो था हवा में, पहला प्यार, पहला नशा, पहला खुमार, लात मार के चलेगी चार। पर वैसे भी जो भी हुआ ना, आई थिंक आई डिजर्व इट, जो भी मैंने किया है ना। मैं आई गो टू वॉशरूम, बहुत तेज की लगी है। हाँ, और तुम्हारा पनिशमेंट भी खत्म।
जिंदगी की भाग दौड़ से पहले यहाँ भागा करते थे, एकदम बेफिक्र हो गए। हाँ, अपना बैग मेरे मुंह पे फेंक के खूब भागता था तू। पहले हम यहाँ खेला करते थे, अब जिंदगी हमारे साथ खेल रही है। यू नो द यूनिवर्स हैज इट्स ओन वेज टू इवन थिंग्स। क्या हो गया? वो तो है, और स्कूल के दिनों की बात ही अलग होती है। जब भी याद करते हो ना, बारिश की मिट्टी की खुशबू जैसे बिल्कुल एक अच्छी सी खुशबू दे जाते हैं ना। वो पल, वो यादें, वो मस्ती, वो टीचर्स, सब कुछ एक मेमोरी कार्ड की तरह एक जगह स्टोर हो जाते हैं। मतलब जब हम स्कूल में थे तब सोशल मीडिया भी नहीं था, तो ना लाइक्स की भूख, ना कमेंट्स की मार, अलग कैरफ्री लाइफ जीता था हम लोग। टीचर्स की पनिशमेंट में भी मस्ती ढूंढ लेते थे यार, मतलब कितने कांड किए थे। और सारे कांड करके सॉरी मैम आई डिडंट डू एनीथिंग कहके सबको पटा लेता था। अंजलि मैम, आई एम सॉरी, क्या आप मुझे माफ करोगे? तेरा बचपन ना समझ के मैं तुझे माफ करती हूँ। तो फिर वो बचपन वाला स्टेप तो बनता है। नहीं, पागल है क्या? अरे इट्स टू चीज़ी यार। चीज़ तो तुझे बहुत पसंद था। कम ऑन ना, चल ना। ओके ओके। धूल बहुत है ना यहाँ पे? हाँ। अच्छा अंजलि मैम, स्पर्श ना मेरा भतीजा है यार, उसको प्लीज सस्पेंड मत करना यार, मतलब माफ कर दो उसको। सस्पेंड मैं उसे वैसे भी नहीं करने वाली थी, पर यार दिस बुलिंग इन स्कूल नीड्स टू स्टॉप यार। आई एग्री, आई कंप्लीटली एग्री, एंड आई मेक श्योर कि वो दोबारा ऐसा कभी नहीं करेगा, आई प्रॉमिस। यू नो दैट टाइम जब हमारी फ्रेंडशिप खत्म हुई थी ना, तब आई रियलाइज समथिंग, और वो ना ऐसी फीलिंग थी जो मैंने आज तक कभी एक्सपीरियंस नहीं करी। आई एक्चुअली आई रियलाइज दैट आई स्कूल की घंटी बज गई है, मेरी क्लास है तो। अच्छा हाँ ठीक है यार, इट वॉज लवली सीइंग यू यार, आई होप वी मीट सून अगेन, राइट? होपफुली। वक्त का हुआ है ये कैसा करम, दूर दूर रह के भी पास आज हम। वक्त का हुआ है ये कैसा करम, दूर दूर रह के भी पास आज हम। और चाचू। हाँ। हिटलर तो तुम्हारी दोस्त निकली। अबे वे तमीज से, टीचर है तेरी, और ये क्या टाइम है, ठीक से कर, ऐसे क्यों कर रहा है? तो गड़बड़ है तेरी। आसमां वही है और वही हवा, मैं भी वही हूँ और वही हो तुम जो कह दो, तो उम्र भर देखे ताके चेहरा तेरा, बदले दुनिया भर की तरह, मौसमों की तरह नहीं ये इश्क मेरा, ये इश्क मेरा, ये इश्क मेरा, इश्क मेरा। हेलो पीपल, इफ यू लाइक द वीडियो गो हिट द लाइक बटन, और कमेंट जरूर करना, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और अपने स्कूल के कॉलेज के सब दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। हाँ, और अगर आपका कोई ऐसा सच्चा प्यार है
जिससे आप अभी तक इजहार नहीं कर पाए हो, तो अभी जाओ उसको टेक्स्ट करो, कॉल करो, उसको इजहार कर दो और उसका जवाब उनको कमेंट में बताओ कि उसने हाँ बोला कि ना बोला, है ना। और एक सरप्राइज है सबके लिए, वो उस्मान भाई बताएंगे आपको। कॉलेज जूनियर का सीजन 2 आने वाला है, हाँ सीजन 2, और वो भी हॉटस्टार पे। तो स्टे ट्यून्ड, हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो करो, हसल इंडिया को सब्सक्राइब करो, जैसे ही लाइव होगा हम आपको अपडेट देंगे, जाकर देखो, खूब सारा प्यार दो। और अगर सीजन 1 नहीं देखा है तो वो भी देख लो, इस वीडियो को बहुत सारा प्यार दो, हसल इंडिया को प्यार दो, यहाँ सब्सक्राइबर वाले गोल, और यहाँ पर एक गोला आ रहा होगा उसको दबा लो। टाटा बाय।